ये हमारी कार्ड है, आधार मेरी पहचान। हेलो माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। राजमा, पनीर, पनीर, चावल, चावल और ये मिठाई, ये आइसक्रीम और मिठाई नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज अपने ब्लॉग में स्वागत करते हैं और आज हम सुबह सुबह निकल चुके हैं। कॉलेज की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन होने वाली है, उसके लिए हमें कहीं एक इवेंट प्रोग्राम किया गया है और हम उस इवेंट के लिए निकल गए। ये हमारे इवेंट के पास है, मैं पास साथ में आपको दिखा दूँगा। और हमें टाइमिंग 8 बजे की दे रखी है और हम 7 बजे बज चुके हैं, तो हम थोड़ा जल्दी में हैं और अभी यहाँ से निकलते हैं। जस्ट हमारे सामने कॉलेज है और फिर हम यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे और ऑटो पकड़ के निकलेंगे, ताकि मैं पहुँचने और रास्ते में दोस्तों से मिलने के दौरान इसके ऊपर बात करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस चीज़ का पास है, कौन कौन आ रहे हैं, किस तरह के सेलिब्रेशन है, सारा चीज़ बताएंगे। सो अभी आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यही हमारा कॉलेज है, बट कॉलेज में इवेंट होने नहीं वाला, कोई अलग जगह स्पेशल होने वाली इवेंट कोई स्पेशल जगह पे, तो हम उसी के लिए जा रहे हैं। मतलब कि हालांकि कॉलेज पीछे ही है, बट हमें जाना कहीं और है इस सेलिब्रेशन को, जो कि कॉलेज ये है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, इसका होने वाला, लेकिन इवेंट कहीं और ऑर्गेनाइज किया गया है और उस इवेंट का यही पास है। तो अभी बस 2 मिनट में यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे, फिर मेट्रो पकड़ेंगे और मेट्रो से फिर उस जगह पर जाएँगे। तो चलिए हम आगे चल के इस इवेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। हालांकि बोला जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है दिल्ली के, जो कि हमारा कैपिटल है उसके बेसिस पे। सो अभी हम यहाँ से निकलते हैं और दिल्ली के कैपिटल के सेंटर में, बोले तो दिल्ली के सेंट्रल में हम जा रहे हैं, उसी जगह पे जा रहे हैं। तो चलिए पहले वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो कैब बुक करिए और कैब अभी हमारा आने वाला है। ये हमारे नए दोस्त मिल चुके हैं, हम इन्हीं के साथ जा रहे हैं। इन्होंने भाई लोग ने कैब बुक कर रखी थी। ये हमारे कैब वाले भैया विज्ञान भवन के लिए निकल चुके हैं, जो कि नियर द उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन है, बट हम कैब में जा रहे हैं। ये हमारे आज के नए मित्र। हेलो भाई। तो अभी हम जा रहे हैं विज्ञान भवन, जो कि हमारा सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के लिए हम जा रहे हैं, जो कि वहाँ पे इवेंट होने वाला है हमारा। सिल्वर जुबली बहाना है, असली काम खाना खाना। भाई का अलग ही मोटो है, सबका अपना अपना होना भी चाहिए मोटो। अब एक ही जगह पे जाएंगे, सबका एक ही मोटो होगा तो दिक्कत है ना। तो भाई अलग मोटो से जा रहे हैं, हम देखने के विचार से जा रहे हैं। सुनने में आता है ये दिल्ली का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस पे आता है, जिसपे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो अभी वहाँ पे जाके पता लगेगा कि क्या है। वैसे हमें एंट्री मिल जाएगी और हम लेट हो रहे थे, इसलिए कैब बुक कर दिया, बाकी हम आगे बात करेंगे। पूरा पारिवारिक माहौल है, देखिए इसमें हमारे गाने बज रहे हैं और हमारे ऑपरेटर भैया इधर बैठे। कौन है भाई ऑपरेटर? पारिवारिक माहौल बनाने वाले वो है। और एक खास बात यह है कि सब इसमें बिहारी भरे पड़े हैं भाई हमारे। ये भी भैया बिहारी, ये तीनों बिहारी, जान ही रहे बिहारी को। ये हमारी कैब थी गाइस, और ये हमारे दोस्त इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। भाई हाँ। नाम बताना भाई। शुभम। और भाई आप? राहुल बना भाई। और भाई? इंडिया का सबसे कॉमन नाम आर्यन। आर्यन। और आप भाई? कुणाल भाई। तो गाइस हम इसी कैब से आए थे, लगभग 20 मिनट में यहाँ पहुँच चुके हैं हम, और भैया के जाने का समय है, निकलेंगे। और ये बाहर का कुछ है, मैं इसके बारे में दिखाता हूँ अच्छे से, अभी पेमेंट कर देते हैं उसके बाद बताता हूँ। अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे विज्ञान भवन के पास, अभी हम बाहर खड़े हैं। हमारा टाइमिंग 8:10 में एंट्री का है, तो अभी हम पहले आ चुके हैं, कैब बहुत जल्दी छोड़ दिया 19 से पहले भी। तो अभी हम बाहर वेट कर रहे हैं और बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है, आगे होर्डिंग लगी है। और इसके बारे में बात करें तो ये 1965 में ये बना था। हाँ तो पहले से बना हुआ, लेकिन सेंट्रलाइज यूज के लिए ये 1965 में स्टार्ट हो गया था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसे यूज करना स्टार्ट कर दी थी फॉर द नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग इवेंट्स और जो भी डिसीजन होते हैं उसके लिए।
तो और इसके बारे में ये बताया जाता है, क्यों जाता है कि इसमें बड़े बड़े मतलब लोग आते हैं, जैसे कि पीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, आज भी तो हमारे गेस्ट ऑनर ही हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और हमारा एक है वाइस चांसलर ऑफ द GGSIPO, तो ये दोनों आने वाले हैं। और फिर ये बड़े बड़े ऐसे भी डिसीजन के लिए होते हैं, तो अंदर चढ़ के इसके आर्किटेक्चर और चीज़ों के बारे में दिखाएंगे। अरे हमारे भाई हर घड़ी मस्ती के मूड में रहते हैं भाई। बाहर का कुछ ऐसा लुक है ये, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे विज्ञान भवन लिखा पड़ा है। ये गेट नंबर 2 है, अभी हम गेट नंबर 2 के पास खड़े हैं और यहाँ से हमारी एंट्री होगी, और अभी सर आएंगे, हमारे लिस्ट के हिसाब से हमें एंट्री दी जाएगी। और अंदर के माहौल बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दिल्ली के सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस में से एक ये प्लेस माना जाता है, और यहाँ पे हाई सिक्योरिटी भी होती है। तो हम अभी एंट्री लेते समय आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह की सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है एंट्री लेने के लिए, और यहाँ पे जल्दी किसी को एंट्री मिलती नहीं है, जब तक ऊपर से रिकमेंडेशन और कॉलेज के पास ना हो तब तक हम इंटर नहीं कर सकते, तो एक बड़ी चीज़ है। और हमें अंदर जाने का मौका मिल रहा है और हमें वाइस प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिल रहा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो अभी हम चलते हैं अंदर और फिर दिखाते हैं कि अंदर की क्या कैसे चीज़ है, बाकी आपसे मिलते हैं आगे। ये हमारी कार्ड है, आधार, मेरी पहचान। ये एंट्री का पहचान सबके पास, भाई सेम मेरे पास भी है। देखिए इसमें कौन कौन आ रहे हैं, चीफ गेस्ट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस चांसलर, यही है जो है मतलब ये चीफ गेस्ट, और ये हमारी कॉलेज की होर्डिंग लगी हुई है। अरे कुछ ऐसा दिखता है गाइस, एक इधर भी लगी है होर्डिंग, और यहाँ से हमारी एंट्री है। अभी हमारे पास सबकी पास चेक की जा रही है और यहाँ से एंट्री मिलेगी हमें। ये हमारे कुछ दोस्त इंटर मिल गए आज कॉलेज का आईडी कार्ड और ये पास दिखाने के बाद, और अंदर आने के बाद कुछ अलग सा फील आ रहा है, लग रहा है रॉयल इंट्री हुई है। बस ये ड्रेस ना होता तो अलग फील आती, बट चलो ड्रेस है तो है, क्या कर सकते हैं। और कुछ यहाँ का ऐसा माहौल दिख रहा है, ये गेट है जहाँ से हमें इंट्री मिलेगी। अंदर घूम के मज़ा आ रहा है, और अभी हम अपनी गेट आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस गेट से हमें एंट्री मिलेगी, हमें पता ही नहीं लग रहा। और अभी कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है, और ये यहाँ का वॉकिंग है, लोग टहल रहे हैं। हम एंट्री ले चुके हैं और हमारा सीट नंबर है 0676। हमारा पीछे है क्या कम से किधर देखते हैं ना, यहाँ पे कितना काउंटिंग है, यहाँ पे नंबर ही नहीं है। नंबर तो पता नहीं, चेयर्स पे है क्या, देखना H15। अभी हमें पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ पे है हमारी सीटिंग, तो हम इधर उधर घूम रहे हैं। और ये बहुत बड़ा हॉल है गाइस, रियली बहुत बड़ा हॉल है। और बात करूँ इसकी एलिवेशन की, तो एलिवेशन कुछ ऐसा दिखता है, और अभी हम कुछ ही बच्चे आए हैं, अभी इंट्री स्टार्ट हुई है तो ज़्यादा बच्चे हैं नहीं। और अरे इसके ऊपर जो लगा है ना भाई, चलने में अलग ही मज़ा आ रहा है। और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है,
ये यहाँ से भी एक एंट्री गेट है और हम सबसे उस वाले सेक्शन पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि कैसा व्यू आता है। और ये हमारे भाई की फोटोग्राफी चल रही है, साइड से निकल जाऊँ क्या? थैंक यू। देखिए मैं सबसे पीछे आ गया, इसके बाद कुछ नहीं है और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। बहुत लंबा भाई, कितनी कैपेसिटी होगी इसकी? आई थिंक 1200 की कैपेसिटी है गाइस। और ये कुछ ऐसा दिखता है नज़ारा, क्या ही दिख रहा है वहाँ पे। जगह अच्छी होगी तो फोटोग्राफी भी होनी चाहिए और हमारे भाई उसको पूरा कर रहे हैं। ये हमारे भाई कैमरा मैन और वहाँ पे हमारा कॉलेज कॉलेज की वो लगी है होर्डिंग अभी। और अभी स्टार्ट होने में समय है, अगर हम और भी किसी सेक्शन में जाएंगे तो वो भी दिखाएंगे। तो बहुत मुश्किल काम रहे उस समय हमारे कई बच्चों में भी। तो जो हम हॉल में गए थे वो हमारी हॉल नहीं थी, हमें हॉल 5 में जाना है तो अभी हम हॉल 5 खोज रहे हैं। और ये कुछ यहाँ का व्यू है, कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का। ये हमारे दोस्त जो आपको ब्लॉग में नहीं दिखेंगे, आज तो ये पार्टी के मूड में ही आया है। और ये यहाँ का कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है, यहाँ पे हर एक फीचर दिखेंगे आपको। और इस मेरे भाई ने 4 दिन से खाना नहीं खाया पार्टी के चक्कर में। 4 दिन से नहीं खाना खाया भाई, पूरी वसूल के जाना क्रिएट अंदर चला गया है। आज पन्नी भी लेके आया है भाई, पन्नी भी लेके जाएगा, पन्नी भर के ले जाएंगे। पन्नी लाया है भाई, पन्नी भी लाया है। सर हेलो तो बोल दो। हेलो, आप सर को पहले भी देखे होगे और अभी भी देख रहे हो, ये हमारे मेंटर है और सबसे बेस्ट है। तो अभी हम हॉल 5 ही खोज रहे गाइस और ये इतना बड़ा है कि हमें मिल नहीं रहा। तो अभी हम खोज रहे हैं, हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना है जैसे कि हमें इंस्ट्रक्शन मिला है। तो ये हॉल नंबर 5 की, यहाँ से देखो दिख रही होगी हॉल नंबर 5। ये हमारे ग्रुप मजा आ रहा है भाई, ऐसा लग रहा है रॉयल फील कर रहा है। इंतजार करते रहो, लेकिन ये चल रहा है सर, सर ये चल रहा है। हॉल नंबर 5 6 5 उधर है। तो हम हॉल नंबर 5 फाइनली पहुंच गए। हनुमत लाल जी का श्री विग्रह बहुत बहुत स्वागत, तुम्हारा स्वागत नहीं जगदीप धनकर यानी नाम अग्रगण्य वाइस प्रेसिडेंट रेवेन्यू मॉडल मेरे पास है, टेंशन मत वो देखते हैं रेवेन्यू कोड आ रहा है। तो ये गाइस यहाँ की वाशरूम देख लो कितनी खतरनाक बनाई गई है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब ऐसे बड़े होटल में जाते हैं ना तो प्रीमियम फील होती है, सेम ऐसा ही है। अब ये क्या ही दिखाऊं, लेकिन आप देख सकते हो कितनी है मस्त है। यहाँ पे वो लग रखी है हैंड ड्रायर भाई, गर्म हवा आ रही है। और ये कितनी ये मेरा दोस्त हेलो हेलो करो भाई, क्या नाम हुआ ध्रुव भाई? नए सब्सक्राइबर है हमारे, ध्रुव राठी भाई है अपने। ये देखो गेंडा भाई, इसे दूध दूध पिला दे। यहाँ की कुछ अलग यार की टेक्सचर है, इस पे बैठ गाइस गेंडा गेंडा जूस पिला दो। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है, मैं यहाँ से नीचे का व्यू दिखाता हूँ अगर आपको कूदना है तो कूद सकते हैं भाई, मस्त लग रही है ना गाइस। ये मेरा दोस्त है बहुत ज्यादा बेरोजगार है, इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और इसके चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर पे शेयर करें। ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो कि पूछते आ जाओ भाई, एक फीडबैक दे दो यार कैसा लगा अभी जो बैठ के बातें कर रहे थे। गलती कर दी क्या हो गया भाई?
मैं सो के उठाऊ, मुझे पता नहीं चला क्या हुआ। और आपका क्या कहना है? कहना इनको कुछ नहीं कहना। चलिए, सबको अलग अलग अपना फीडबैक है। चलिए ठीक है। रुस्तम के साथ अग्रसर होते हुए, हेलो माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। प्रत्येक सहभागी अपने आप, हमारे इवेंट खत्म हो चुकी है, सब खाने पे टूट पड़े हैं। अभी हम थोड़ा हल्का हो गए थे, उसके बाद आगे चलते हैं। अभी इधर कहाँ है? ये है हमारे देश। देख ले, ये इसीलिए आया था ना, पूरा हो गया ना तेरा। इसीलिए आए थे यार, डेढ़ बजे तक बैठा के रखा। कैसा लग रहा है? खावे खा का भाषण सुना, समझ आया नहीं, जानते हैं नहीं कौन है, कौन टारगेट है, कौन टीम है, सकल भी नहीं देखी, उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तुझे भी कुछ कहना है क्या? अच्छा था भाई, अच्छा। ये हमारे गाने हैं, चलिए इसको खत्म करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं और आपको भीड़ दिखाएंगे कि कितनी मुशक्कत करने के बाद हमें ये मिला है। एक एक चीज दिखाना, ये देखो, ये राजमा, पनीर, पनीर, चावल, चावल, और ये मिठाई, ये आइसक्रीम, और मिठाई नहीं, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, देसी गुलाब जामुन। अरे तेरी बहन, यहाँ पे इतनी भीड़ है गाइस कि खाना खाना मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है। हमने युद्ध लड़के यहाँ से खाना निकाला था। हर तरफ लोग ही लोग हैं यहाँ, ऐसे वहाँ पे थे, वहाँ पे जहाँ पे भीड़ लग रखी है। देख, जामुन लेके आया भैया, खा रहे हैं। अरे यार, हम देश हम शुरू से ही थे भाई। अरे भाई, तीसरा राउंड है भाई, गुलाब जामुन। इसी बात पे आप पनीर भी एक खाएंगे? नहीं भाई। अरे खाओ खाओ, खाओ। अरे भाई खाया, अरे बहुत सारा खाया भाई, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। अरे यार रुक जाना, कट ही तो नहीं रहा ये। अबे वो भी खा लो गुलाब जामुन चले। तो ये बासुन का मिल लिया, ये फिर से इतने इतने उठा के ले आए हो क्या? ये नदीम, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ आके, आपको कैसा लग रहा है? जैसे ये आया खाने के लिए, खाने खत्म हो गया, आइसक्रीम से पेट भर रहा है। आइसक्रीम से पेट भरा जा रहा है भाई। और तुझे खाना वाना खा लिया? वैसे मैंने तो उसकी भी थोड़ी क्लिप शूट कर ली है। अब ये कुछ आउटर एरिया है, समय भी दिखा दिया था, बट ये आउटर है, यहाँ से हम एग्जिट करेंगे और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है ये बाहर का कैंपस। हमें उधर जाना है अलाउड नहीं है, वो सीधे की तरफ, तो हमें यहाँ से एग्जिट निकल रहे हैं हम, और यहाँ से एग्जिट ये इधर से हम तो सुबह सुबह गए थे। तो यही था, बाकी जो भी इंटरटेनमेंट करा वो सारे ब्लॉग में आपको दिखेंगे। सो ब्लॉग हमारे देखते रहिए, काफ़ी इंगेजिंग कंटेंट है। और फिर हम यहाँ से रैपिडो या ओला या जो भी सही लगेगा हम वो बुक करेंगे और अपने घर की अब निकलेंगे। तो इस ब्लॉग में यही था, और तो अगर ब्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। तो देखो गाइस, हम अब यहाँ से निकलने वाले हैं, और इनकी देखो, जाते जाते भी है। जाते जाते भी कटोरी भर के ला रहे हैं भाई, 2 लाख रुपए दिए कॉलेज के अंदर। हाँ तो ये इससे असूल करेगा तो और क्या भाई, ये 2 साल अभी कितना परसेंट असूल हुआ तुम्हारा? अभी तो आधा भी नहीं हुआ, 70% कर दिया। 70% 70-80 हजार रुपए की आइसक्रीम खा गया मैं। तू तुझे भी कुछ कहना है क्या? कुछ नहीं है ना, चलो बढ़िया। ये एक हमारे दोस्त, ये भी फोन एडिक्शन क्या है इनकी बंदी नहीं है, ये दुख में एंड कर भाई व्लॉग एंड। तो अब हम व्लॉग को एंड करते हैं, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।
लाइक करे और सब्सक्राइब करे, कुछ तो कहे और शेयर भी करे, और शेयर भी करे, ना तू भी कुछ कह दे के मारे। और भाई इसके चैनल पे जितने लाइक शेयर कमेंट करोगे ना उतने पैसे तुम्हें एक आइसक्रीम फ्री मिलेगी मेरी तरफ से। चल ठीक है, मतलब थोड़ा बोरिंग था, मतलब जिसको आ रहा था वो ज्ञान पेली सब वही चल रहा था, बट बढ़िया था भाई, खाना वाना बढ़िया था, खाना गुलाब जामुन। क्या सबसे अच्छा आइटम क्या लगा भाई? आइसक्रीम मेरे को बढ़िया लगा था, आइसक्रीम बहुत, गुलाब जामुन थोड़ा सा, गुलाब जामुन तो 6-7 पेल दिया भाई, ये तो भाई इनका कुछ भी है चलता रहता है, बट ठीक था, थोड़ा हार्ड था अंदर से। तो क्या लगा वो जो 25 साल पूरे हुए वर्थ इट था कॉलेज के लिए कि नहीं? फर्स्ट हाफ वर्थ इट था, दूसरा हाफ वर्थ इट नहीं था। ठीक है, फर्स्ट हाफ ठीक था, सेकंड हाफ में पका दिए। हाँ वो सेकंड हाफ मेरे को भी पता नहीं क्यों, नहीं तो हम 12-1 बजे तक घर पहुंच जाते हैं। लेकिन सेकंड हाफ वाज वेरी बोरिंग, सच बता रहा हूं। फर्स्ट हाफ बढ़िया था क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट आया था तो उसको सुनना भी चाहिए, इतना बड़ा पोजीशन। अरे यार तुमको तो मेन हॉल में बैठा था, हमको तो ब्लॉक गए थे हॉल नंबर 5, एक छोटा सा रूम था उसमें बैठा दिया। उसमें क्या चल रहा है? ऐसे जो तुम देख रहे हो ना लाइव, उसकी हमें वीडियो दिखाई जा रही थी ऊपर प्रोजेक्टर पे। मैं खुद डिप्रेस हो गया, कहां बैठा दिया इन्होंने। फिर सेकंड हाफ में आ गए थे। हां सेकंड हाफ में नीचे आ गए। तो सेकंड हाफ जब जब ऊपर, सेकंड हाफ में तुम ऊपर आए ना, अरे फायदा नहीं था नीचे। हां तो वही तो कह रहा हूं कि सबसे पूरा दिन बैठ के आपस में सब फोन चला रहे, रील देख रहे हैं हम लोग। बढ़िया है भाई, बढ़िया है एकदम। चलो गाइस यही था हमारा सेलिब्रेशन, जो भी था आप भी देख लेना।